Hey there everyone, this is Divyansh Rathore। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक वर्डप्रेस थीम को कैसे बनाया जाता है, कहां पर बनाया जाता है, क्या नाम दिया जाता है और किन किन फाइल्स की जरूरत होती है एक वर्डप्रेस थीम को बनाने के लिए। So, सबसे पहले हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपना सबलाइम एडिटर खोल रखा है। सबलाइम एडिटर के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लास्ट वीडियो को जरूर चेक करें। वेल देखिए, सबलाइम एडिटर यानी हमारा जो कोड एडिटर होगा, यहाँ पर आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, मैं थोड़ा एड फोल्डर टू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर हम कौन सा फोल्डर ऐड करने वाले हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट, लोकल डिस्क सी में, याद है हमने जैम्प जहाँ पर इंस्टॉल किया था उसके यहाँ पर जाएंगे हम। जैम्प के अंदर जाएंगे हम, htdocs, ये रहा htdocs में हमने अपना फोल्डर दी दिव्यांश बनाया था, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर वर्डप्रेस, देन wp कॉन्टेंट, देन थीम्स में जाएंगे एंड देन एज यू कैन सी यहां पर हम आ चुके हैं। अब ये जो थीम फोल्डर है, इस फोल्डर में आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। यही क्रिएट जो फोल्डर आप क्रिएट करेंगे हमारी थीम का नाम होगा। सो बेसिकली अब आपको समझ आ गया होगा कि हम थीम कहां बनाते हैं, थीम वाले फोल्डर के अंदर, और कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट फोल्डर को ऐड करके। क्या नाम दिया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, न्यू फोल्डर, हम अपनी थीम का नाम दी दिव्यांश से शुरू किया था जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात कर ली थी, एंड सिलेक्ट फोल्डर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमारा फोल्डर सिलेक्ट हो गया होगा। किस तरीके से, ये नीचे यहाँ जो साइड का बटन है इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए दी दिव्यांश लिखा हुआ आ गया। ये अब हमारा मेन थीम फोल्डर बनेगा। इसके अंदर बाकी की फाइल्स क्रिएट करेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको अपने फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू चले जाता हूँ वहाँ पर और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चीज़ें कैसे काम करने वाली हैं। लोकल डिस्क सी, एज यू कैन सी हम अपने फोल्डर दी दिव्यांश में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको मेनली कुछ फाइल्स की जरूरत पड़ेंगी। ये फाइल होती है इंडेक्स फाइल, style.css फाइल एंड function.php फाइल। इंडेक्स और स्टाइल जो फाइल है ये कंपलसरी है, ये फाइल अगर नहीं होगी तो आपकी थीम बनेगी ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं function.php। ये फाइल ऑप्शनल होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है हमारी एक वर्डप्रेस थीम की। जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये थीम फाइल्स बनानी है, तो वर्डप्रेस के कॉन्टेक्स्ट में एक बात याद रखिए, मैं अक्सर टेम्पलेट यूज करूंगा या टेम्पलेट फाइल्स यूज करूंगा, तो आप समझ जाइए कि मैं इन्हीं फाइल्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो छोटी 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 बहुत सारी फाइल्स बनती है वर्डप्रेस में, इनको हम मेनली टेम्पलेट करके कह के रिफर करते हैं। तो एज यू कैन सी हम इस फोल्डर में हैं, अपने सबलाइम एडिटर में जाएंगे, कुछ नई फाइल्स बनाएंगे। कौन कौन सी नई फाइल्स होंगी वो मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखी हुई है। वो फाइल्स आपको जस्ट ब्लैंक फाइल्स है, कुछ नया नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपसे, ठीक है। index.php फाइल होगी, यस देखिए आप तीन फाइल्स हैं ये मैंने कॉपी कर रखी थी। index.php मैंने आपको बता दिया था, style.css फाइल है और function.php, ये php फाइल है, तीनों ब्लैंक है सिवाय style.css के। एक एक करके ओपन करते हैं सारी चीजें। सपोज मैंने यहां से style.css फाइल, अब मानिए यहां नहीं रहती है, एक बात आप अच्छे समझना कि अगर style.css फाइल में हटा देता हूं, देन आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ब्रोकन थीम लिखा हुआ नजर आएगा, क्लियर है। और जब आप इस फोल्डर के अंदर style.css फाइल बना देते हैं तब ये ब्रोकन थीम हट जाता है और एक नॉर्मली थीम बन जाती है। क्योंकि बिना style.css अगर आप सिर्फ इंडेक्स फाइल भी इंक्लूड कर देंगे तो अभी थीम तो बन जाएगी बट वो ब्रोकन शो करेगी। होप यू गॉट इट, ठीक है। अब style.css फाइल को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। स्टार्ट हमारी जो वर्डप्रेस के रिलेटेड जितनी भी css होती है वो हम इसी फाइल के अंदर करते हैं। इसी फाइल से कहने का मेरा मतलब है आप मल्टीपल css फाइल्स बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, बट इस थीम फोल्डर के अंदर style.css होना जरूरी है क्योंकि ये वर्डप्रेस के रूल्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट थिंग अब बात करते हैं style.css के अंदर होता क्या है, ठीक है। ये कुछ कमेंट्स हैं, मेक श्योर कमेंट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्डप्रेस इसे इग्नोर कर देता है। इन कमेंट्स को भी वर्डप्रेस रीड जरूर करता है और इसी से आपकी चीजें आगे समझ आती है। इन चीज को आप ध्यान रखें। जब आप कुछ चीजें मैंने एक्चुअली पहले से इसलिए लिख कर रखी है सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आपको ये पैरामीटर्स इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम नेम तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लिख ही दीजिए। हम अपनी थीम का नाम दिव्यांश रखने वाले, ऑथर मेरा नाम दिव्यांश राठौर है, ऑथर URL ये मैंने अपनी लिंक्डइन का दे रखा है जहां पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। URL में URL, यहां पर URL ही होता है जहां पर एक्चुअली आप ऑथर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ऑथर के बारे में जान सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं कि ये दिव्यांश ने थीम डेवलप किया है वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट सीरीज को ऑफिशियली हमारे चैनल पर चलाने के लिए। वर्जन आपका 1.00 रहेगा। टैग्स में आप वो चीजें लिखते हैं, लेट्स से आप अपनी वर्डप्रेस ये जो थीम है इसे आप वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में पब्लिकली अवेलेबल करना चाहते हैं या फिर आप कहीं ऑनलाइन रिपोजिटरी में इसे सबमिट करना चाहते हैं, तो जब कोई व्यक्ति आपकी थीम को सर्च करता है तो किन किन चीजों के थ्रू सर्च कर सकता है, सो वो चीजें यहाँ पर मेनली लिखी जाती है कि टू कॉलम्स होंगे, राइट साइड बार होगा, फ्लेक्सिबल हेडर्स होगा। सो ये सब चीजें जो होती है ये इसलिए लिखी जाती है कि यूजर आप अगर कुछ सर्च करें तो आपकी थीम उनको दिखाई दे या सर्च रिजल्ट पे अपीयर हो। तो इन इन टैग्स जिन जिन मेनली जो यूजर सर्च करते हैं वो टैग्स आप इंक्लूड कर दीजिए। एक बार का ख्याल रखें वही टैग्स इंक्लूड करिए जो आपकी थीम के रेलेवेंट हो, ठीक है, अननेसेसरी कोई टैग मत लगाइएगा, ठीक है। लाइसेंस JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस हर जगह पे यही लिखना है, ये लाइन को तो आप रख लीजिए क्योंकि यही एक लाइसेंस है जिसके ऊपर वर्डप्रेस वर्क करता है। अब आपको स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल समझ आ गई, इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल समझ आ गई, आपको एक बार भी क्लियर हो गई होगी कि ये तीन फाइल रख देंगे तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा आपकी वहाँ डैशबोर्ड पर थीम देखने के लिए। जैसा कि आप डैशबोर्ड पर देख सकते हैं आप थीम क्लियरली अपियर हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थीम को प्रीव्यू करते हैं या फिर एक काम करते हैं अब एक्टिवेट कर देते हैं। इस थीम को देख सके आप देख रहे हैं मैंने एक्टिवेट किया हुआ है, देन एक्टिवेट करने के बाद मैं इसे अपने विजिट साइट पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं विजिट साइट जैसे ही किया मैंने ये वेबसाइट ब्लैंक हो गई है, यानी ब्लैंक हो नहीं गई है, एक्चुअली हमारी इंडेक्स फाइल में कुछ भी नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बहुत क्लियरली समझाया था कि इंडेक्स फाइल की क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रोल प्ले करती है हमारी फाइल में। वेल इन सभी फाइल्स के बारे में हम टेम्पलेट हायरार्की की जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके अंदर बहुत डिटेल में समझ लेंगे कि कब कौन सी फाइल किन चीजों के लिए एक्सेस की जाती है। अभी के लिए आप ये समझिए कि इंडेक्स फाइल हमारी ब्लैंक है। मैं आपको एडिटर के अंदर आपको बता देता हूँ, ये हमारी इंडेक्स फाइल है जो कम्प्लीटली ब्लैंक है, इसलिए हमारा विजिट साइट हमारा ब्लैंक हो गया। वेल अगर आप यहाँ पर कुछ लिख देते हैं तो आप देखिएगा वहां पर भी ये शो होने लगेगा। वेल लिखना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे जब हम अपनी थीम को बनाएंगे और एक्चुअली हम हेडर फुटर ये सब कुछ क्रिएट करेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो था कि एक थीम को कैसे क्रिएट किया जाता है, किन किन फाइल्स की जरूरत होती है, उनका मैंने इंट्रो दे दिया है। बहुत शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा बड़ी नहीं हुई है। आप एक बात का ख्याल रखें, अगर आपने इस वीडियो सीरीज में ये तीन फाइल आपने क्रिएट कर ली है देन इस वीडियो को लाइक करें एंड मेक श्योर आप इस वीडियो सीरीज की प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। वेल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।